आज दोस्तों कैसे हैं। एक पेनी स्टॉक के रूप में लेके आया था, पेनी स्टॉक तो नहीं है बट मैं आपको इसलिए रेट 39 चल रहा है तो आप समझिए इसको पेनी स्टॉक के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। 30 का स्टॉप लॉस रखा, ये 64 का टारगेट है, यहाँ से डबल का टारगेट है और आप इसको एक पेनी रूप में ले सकते हैं। टाटागन वेगन लिमिटेड है, जो फास्ट उनके फास्ट आउट होना चाहते हैं उनके लिए इतना ही है कि ये एक रेलवे पैसेंजर मतलब कि ये वेगन्स बनाती है, जैसे नाम से ही है कि वेगन्स डब्बे बनाती है। रिसेंटली इसकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी और चूंकि इसका कुछ कारण था कि कैपेसिटी इसकी जो है 500 वैगन्स पर मंथ बनाने की है, बट ये बनाया था अभी कुछ 864 क्वार्टरली डिस्पैच किया था तो अप्रॉक्स 250 के आसपास डिस्पैच किया था। उसके कारण ये था कि उसके पास जो व्हील्स होते हैं वैगन्स को बनाने के लिए व्हील्स था वो उसके पास इंडियन रेलवे के पास नहीं था जहाँ से सप्लाई आया था। अभी इन्होंने डिसाइड किया है, पुणे मेट्रो रेल को इनको ऑर्डर भी मिला हुआ है तो आगे जा करके इनके फाइनेंशियल को देख करके 30 तक मुझे नहीं लग रहा कि ये 30 ब्रेक करेगा और अगर जाना होगा तो 64 तक चला जाएगा। और चूंकि अभी इसमें कोई रैली देखने को नहीं मिली है, पब्लिक सेक्टर यूनिट में है, अच्छा परफॉर्म कर सकती है और हर समय जब आप देखते हैं बजट के आसपास जाती है तो बेस्ट टाइम है इसका। आप लो 52 वीक लेके लो देखेंगे 31 है और 80 जो हाई है 86 है तो यही 31 के आसपास हो सकता है। बहुत से बहुत खराब आपको दिखाना हो तो वहाँ से दिखा सकता है, इससे नीचे नहीं जाएगा। बाइंग सेंटीमेंट देखिए, 87% की बाइंग सेंटीमेंट है, 13% की सेलिंग सेंटीमेंट है। बाइंग सेंटीमेंट के साथ आप इसमें पोर्टफोलियो में बना करके इसको रख सकते हैं। अगर आपको हो सकता है ये कमिंग डेज में एक अच्छा परफॉर्मर के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम टाटागन रेलवे के बारे में देखें तो ये क्या है, टाटागन वैगन्स इज मेनली एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ फ्रेट वैगन्स, पैसेंजर कोचेज, स्टील कास्टिंग, स्पेशलाइज इक्विपमेंट एंड ब्रिज शिप, हैवी अर्थ मूविंग एंड माइनिंग इक्विपमेंट्स। अगर इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख के बोले तो शायद हमें इसे नहीं लेना चाहिए क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है, जहाँ डेप्ट है 623 करोड़ का वहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में है, बट प्राइस टू कैश फ्लो नेगेटिव है, इबिट्टा नेगेटिव है। आप देखें तो ये एकदम फ्री में मिल रही है, मार्केट कैप टू सेल्स 0.36 में मिल रही है, मीन्स यहाँ से एटलीस्ट 4 टाइम्स होना चाहिए इसका वैल्यू अगर ये अच्छा परफॉर्म करती। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, इनका कहना है कि रिसेंटली जो भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कम्पिटिटिव नेचर होने के कारण उसमें कोई भी मार्जिन नहीं था, बट कमिंग डेज में वो अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे और हो सकता है जब पुणे मेट्रो रेलवे जो चल रहा है इनका ऑर्डर मिला हुआ है इनको और कमिंग जो और भी जहाँ से इनको कोच देने की सप्लाई हो रही है या कोच से रिलेटेड सर्विसेज की बात हो रही है वहाँ अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन पे इनको सप्लाई मिल रहा है। यहाँ प्रमोटर होल्डिंग है 45% है और आप देखेंगे तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड इसमें जो FII की होल्डिंग है 3.14 है जो अभी 3. वही रखा है, म्यूचुअल फंड ने थोड़ा डिक्रीज किया है इसमें, अदर DII ने बढ़ाया है, प्रमोटर की होल्डिंग जो थी वो थोड़ा सा कम किया है इन्होंने। इसके लिए मैं इसको एक पेनी स्टॉक के रूप में आपको बोला कि अगर लेना है तो इसको लेके आप एक बार इसको रख सकते हैं। प्राइस एक्शन में भी देखेंगे तो रिटर्न में अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, बट ये जस्ट अभी चालू हुआ है चलना। वन डेज में देखिए तो 2%, जब सभी PSU पे न्यूज आ रहा है कि चाहे वो BVML हो, चाहे वो BPCL हो, चाहे कंटेनर कॉर्पोरेशन हो, चाहे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये ITDC हो, ये सब अच्छा परफॉर्मेंस अभी करने को तैयार है, हो सकता है कि अच्छी वैल्यू रिकॉग्नाइज होने वाली है तो कहीं ना कहीं ऐसे शेयर पे किसी का ध्यान नहीं गया है तो हो सकता है पेनी स्टॉक के रूप में आप लीजिए। यहां से आपको डबल का रेट 64 तक का रेट आपको देखने को मिल सकता है, 60-64 तक का, तो ये एक अच्छा पेनी स्टॉक के रूप में बैठ हो सकता है। पूरा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, अपने फाइनेंस एडवाइजर से पूछ के ही लगाना है। और अगर चार्ट पे भी देखें तो चार्ट पे आप देखेंगे तो अगर ये मैं डेली बेसिस पे देखूँ तो जस्ट एक बॉटम के पास यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न बाइंग वॉल्यूम के साथ बना है, एक पॉजिटिव पैटर्न है, हो सकता है ये नीचे कहाँ तक जा सकता है तो 30 रुपये मुझे नहीं लगता किसी भी तरह ये ब्रीच करना चाहिए, यहाँ से फिर ऊपर की ओर ले लेगा और इसका जो फॉल था वापस लेता है तो आपको पहला 54 के आस पहले तो यहाँ पे आएगा एक बार आपको 43-44 और फिर वहाँ से ऊपर लेते हुए 54-64 की ओर जाता हुआ आपको दिखेगा। तो पहला टारगेट इसका जो है 42-43 का है और उसके बाद यहाँ से जाएगा तो 54 और फिर 64 के आसपास जाएगा। और यहाँ पे भी देखेंगे आप RSI भी इसको स्टॉकिस RSI भी देखें तो ये अब एक बार ऊपर ले जाने की ओर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्लमजी हो रहा है और आप देखिए यहाँ पे जो इस लेवल पे था आ चुका है, यहीं के बाद ये ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं इसका जो फॉर्मेशन बॉटम का होना था लगता है कि हो चुका है। आप इस पे वॉचलिस्ट लग सकते हैं, आप इस पे ध्यान रख सकते हैं, हो सकता है एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको देते हुए दिखा सकता है। वीकली चार्ट पे भी देखें
तो वीकली चार्ट पे भी यहाँ पे जो सेल था वॉल्यूम था वो हो चुका है, खत्म हो चुका है। यहाँ पे फॉल दिख रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा फॉल हो, फिर भी 30 के स्टॉप लॉस से आप इसमें देखें। बट पेनी स्टॉक के रूप में आप इसमें अगर पोजीशन बनाते हैं तो न्यू जो ऑर्डर इसको मिला है, जो पुणे मेट्रो रेल के लिए ऑर्डर मिला है, बहुत ही फ्रूटफुल है। इनफैक्ट अहमदाबाद को से जो सप्लाई होगा वहाँ पे भी इसको चांसेस ऑर्डर मिलने का। यहाँ पे आपको अच्छा, और एक देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे RSI जो दिखा रहा है ये अपसाइड की ओर दिख रहा है, ऊपर की ओर जाते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना जो रेसिस्टेंस RSI का यहाँ से भी हमें जो दिख रहा है वो लगता है कि RSI एक बार ऊपर की ओर डाइवर्जन टाइप का बन रहा है। तो यहाँ से आपको RSI में भी फायदा देखने को वीकली बेस पे मिल सकता है। तो पेनी स्टॉक के रूप में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही पोजीशन बनेगा, बट इस पे अपने पेपर ट्रेड कर सकते हैं, वॉचलिस्ट रख सकते हैं। 64 का टारगेट जाता हुआ दिख सकता है टाटा रेलवे। फाइनेंशियली ये बहुत खराब है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, बट कमिंग डेज में लुकिंग पुणे मेट्रो रेलवे और उनकी कैपेसिटी 500 की है, अगर वो 1500 डिलीवरी करते हैं तो उनके लिए भी फायदेमंद है, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिर्फ अभी 50-55% के आसपास हो रही है। 1500 की जगह 864 के आसपास की डिलीवरी हो रही है, तो 50% के आसपास ही मान लीजिए, तो वहीं पर डिलीवरी हो रही है, इसके लिए ये परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहे हैं। वॉल्यूम वेटेड एवरेज से भी देखेंगे तो जहाँ इसको करंट वॉल्यूम वेटेड एवरेज 4730 मतलब बहुत ज़्यादा मायने नहीं, 17 पैसे से वीक कमजोरी कर दिया, और यहाँ पे सेंटीमेंट देखेंगे तो बहुत अच्छा है। तो टाइटेगन वेगन्स में डिलीवरी हो रही है, अच्छी खासी डिलीवरी हो रही है, डिलीवरी परसेंटेज हाई है, तो वहाँ पे आप पोजीशन बनाते हुए देख सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। एक मिनट अगर आपको यहाँ पे पोजीशन भी दिखाऊं तो एक मिनट, आप इसकी पोजीशन को देख लीजिए, 49.80%, जहाँ पे ट्रेडिंग 8,60,000 का हुआ वहाँ पे 4,28,000 की डिलीवरी हुई है, 50% का यहाँ पे आपको देखेंगे डिलीवरी हो रही है। तो मुझे लगता है बॉटम बन चुका है इसका टीटागढ़ वेगन्स लिमिटेड का, और जो इसका लो है हो सकता है यहाँ पे आपको अच्छा खासा गेन, आपको 52 वीक का जो 5 अगस्त 2019 को ही बना है, अब यहाँ पे बन चुका है जो बनना था, अभी ऊपर की ओर ही लेगा, और हो सकता है आपको वापस जो 64 आपको जैसे जैसे चार्ट में बताया वैसे ऊपर करके वो जाएगा 42, 54, 64। ये टारगेट के लिए आप चाहें तो इसके पेनी स्टॉक के रूप में इसको अपने पोजीशन पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, देख सकते हैं। मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग एडवाइस आपको नहीं है, मेरे सजेशन, मेरा ये सिर्फ ओपिनियन है। परफॉर्मेंस हो सकता है अच्छा भी हो, परफॉर्मेंस अगर वापस पुरानी तरह जैसे फाइनेंशियल आपको दिखाया इनका बहुत ही खराब है, तो अगर वैसा रहा वापस ये अगर कैपेसिटी यूटिलाइज ही नहीं करेंगे, इनका व्हील का प्रॉब्लम है, इंपोर्ट की पूजी, अभी ये बता रहे हैं कि हमको व्हील नहीं मिला, इंपोर्ट करना चाह रहा है, इंपोर्ट का ऑर्डर नहीं हुआ, वापस इंपोर्ट नहीं हुआ, फिर फाइनेंशियल खराब होगा। लेकिन टेक्निकली चार्ट में यहाँ से बाउंस बैक देखने को दिखता है, तो चूंकि टेक्निकल बाउंस है तो शायद हो सकता है कमिंग डेज में ये अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखे। वीडियो देखने के लिए बहुत